हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्सरसाइज 34 करेंगे। देखो, ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 34 है, पेज नंबर है 278। देखो, प्रेजेंट नाम से पता चल रहा है आपको, प्रेजेंट मतलब जिसमें है लिखा हो, यानी प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो। परफेक्ट का मतलब काम हो चुका है। कॉन्टिन्यूस का मतलब जिसमें रहा है, रहे हैं, है ना, लिखा हो, वो कॉन्टिन्यूस है। सेंटेंस कैसे, जिसमें टाइम दिया हो, ऐसे समझ लो, जब कोई काम हो रहा होता है और उसमें टाइम दिया होता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं, ना टाइम दिया हुआ है ना, एक तो रहे हैं तो पता चला कॉन्टिन्यूस है, और 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं। तो जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम होता है तो हम सिंस लगाते हैं, और जब आपको टाइम का पता नहीं होता है तो फॉर लगाते हैं। जैसे लड़के हैं, देखो बहुत इजी सेंटेंस है, द बॉयस, बी ओ वाई एस, लड़के हैं ना ज़्यादा, अब ज़्यादा के साथ हैव लगा दो, द बॉयस हैव बीन, बीन ज़रूर लगाना, और बीन के बाद वर्ब लगा दो, बीन क्या कर रहा है, नहा रहे हैं, यानी बी ए टी एच आई एन जी, बाथिंग, कहाँ नहा रहे हैं, नदी में, तो इन द रिवर, आर आई वी ई आर, इन द रिवर। अब देखो टाइम लगाना है आपको, आपको टाइम नहीं मालूम है ना, नहा रहे हैं तो टाइम नहीं मालूम है तो फॉर लगा दो, फॉर कब से, 2 घंटे से, फॉर टू आर एच ओ यू आर एस आर्स, द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर हैव 2 आवर्स, लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं। मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से पढ़ता हूँ, फिर वही देखो, मैं की इंग्लिश होती है आई, अब ज़्यादा है ना, आई को ज़्यादा मानते हैं तो आई हैव, और तुरंत बीन लगा दो, आई हैव बीन पढ़ रहे हैं, यानी स्टडिंग, एस टी यू डी वाई आई एन जी, देखो यहाँ रहे हैं मैं कॉन्टिन्यूस में आई एन जी लगता है ना, इसलिए आप वर्ब में आई एन जी लगा देना। कहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन इस स्कूल में, है ना, इन दिस स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, इन दिस स्कूल, कब, फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष से, यानी फॉर 2 ईयर्स, वाई ई ए आर एस, आई हैव स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, तुम 4 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, तो तुम, यू हैव बीन वेटिंग, वाई ओ यू, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव, और बीन लगा दो, जब टाइम दिया होता है तो तुरंत बीन लगा देना चाहिए ना, यू हैव बीन, अब इंतज़ार कर रहे हो के लिए, वेटिंग, डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी, यू हैव बीन वेटिंग फॉर, किसका, फॉर तुम, मेरा ना, वेटिंग फॉर मी, अब यहाँ टाइम दिया हुआ है 4 बजे से एग्जैक्ट, तो सिंस लिख दो, एस आई एन, सिंस कितना, 4 o'clock, एफ ओ यू आर, 4 o'clock, C L O C K, clock, you have been waiting for me since 4 o'clock, सुरेश 3 घंटे से इतिहास याद कर रहा है, देखो एक लड़का है ना तो has लग जाएगा, सुरेश, देखो एस यू सु, रे, ई से एक ही मात्रा लगती है तो सु, रे, देखो आर ई रे, और शा, एस एच से शा बनता है, एस यू आर ई एस एच, सुरेश has been, सब में लगाना है वर्ब की, अब याद करना है वर्ब क्या है, याद करना तो मेमोराइजिंग, एम ई एम ओ आर आई जेड आई एन जी, मेमोराइजिंग, हिस्ट्री, एच आई एस टी ओ आर वाई, कब से, फॉर 3 आर, फॉर, टाइम नहीं दिया है ना 3 घंटे से, कौन सा 3 घंटे में नहीं पता है, तो फॉर लगा दोगे, फॉर 3 आर, एच ओ यू आर एस, 3 आर्स, हम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हम की इंग्लिश होती है वी, वी के साथ हैव लगता है, क्योंकि ज़्यादा के साथ हैव, कम के साथ हैज, वी हैव बीन, अब पढ़ने के लिए स्टडिंग, एस टी यू डी वाई आई एन जी, स्टडिंग, हिंदी, हिंदी क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर से लिख दो, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो अकेला एक होता है ना, जैसे हिंदी बोला सब्जेक्ट में तो हिंदी, सब्जेक्ट बोला तो कोई भी हो सकता है, तो हिंदी फॉर टी डब्ल्यू टू डेज, 2 डेज, वी हैव बीन स्टडिंग हिंदी फॉर 2 डेज,
वे 5 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वे यानी दे, तो टी एच ई वाई दे के साथ दे हैव बीन। अब सीखने के लिए लर्निंग एल ई ए आर एन आई एन जी, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश फॉर 5 years, फॉर एफ आई वी ई 5 years, वाई ई ए आर एस ईयर्स। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। तुम्हारा भाई 2 घंटे से सो रहा है। तुम्हारा भाई यानी योर ब्रदर, वाई ओ यू आर योर ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर योर ब्रदर एक है ना, तो हैज के साथ बीन लगा दो। अब सो रहा है तो स्लीपिंग एस एल डबल ई पी आई एन जी, स्लीपिंग कब से सो रहा है, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, एच ओ यू आर एस फॉर 2 hours। या धोबी 1 बजे से कपड़े धो रहा है। या धोबी यानी दिस वॉशरमैन, धोबी को वॉशरमैन बोलते हैं। या मतलब दिस ना, दिस वॉशर डब्ल्यू ए एस एच ई आर एम ए एन, दिस वॉशरमैन हैज़ बीन। अब देखो वॉशिंग क्लोथ्स डब्ल्यू ए एस एच आई एन जी, वॉशिंग क्लोथ्स सी एल ओ टी एच ई एस क्लोथ्स का टाइम दिया हुआ ना 1 बजे से, तो सिंस एस आई एन सी सिंस 1 o'clock सी एल ओ सी के 1 o'clock, दिस वॉशरमैन हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 1 o'clock। या नौकर 4 घंटे से कमरा साफ कर रहा है, तो यह नौकर यानी दिस सर्वेंट एस ई आर वी ई ए एन टी, दिस सर्वेंट हैज बीन क्लीनिंग सी एल ई ए एन आई एन जी, क्लीनिंग क्या साफ कर रहा है, क्लीनिंग द रूम आर डबल ओ एम, क्लीनिंग द रूम फॉर 4 hours, एच ओ यू आर एस फॉर 4 hours, द सर्वेंट हैज बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 4 hours। मैं 4 बजे से हॉकी खेल रहा हूँ, तो I have been playing P L A Y I N G playing hockey H O C K E Y hockey since S I N C E since 4 o'clock C L O C K 4 o'clock। बच्चों इसकी अगली एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में करा दूंगी। अगर आपको कोई एक्सरसाइज, कोई ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज पहले चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उस एक्सरसाइज का वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी। और अगर बच्चों इस मेरे वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिलती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।